सो फाइनली इट्स ऑफिशियल इन्फिनिक्स हॉट 10 लॉन्च होने वाला 4 तारीख को इंडिया में दोपहर को 12 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। ये वाला स्मार्टफोन अगर देखा जाए पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो गया। इसका दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4 GB RAM 128 GB ROM एंड 6 GB RAM 128 GB ROM। लेकिन फॉर द टाइमिंग इंडिया में एक ही वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, 6 GB RAM 128 GB ROM। इसका प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका प्राइस होने वाला है 9 से 10 हज़ार रुपये के अंदर। हालांकि इसका ऑफिशियल प्राइस अभी तक कंपनी की तरफ से कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन इतना तो पक्का इट इज़ गोना बी अंडर 10,000 रुपीज़ स्मार्टफोन। और 10,000 रुपये के अंदर 6 GB 128 GB मिल रहा है, मतलब काफी बढ़िया एक चीज यहां पर देखने को मिलेगा। खाली यही नहीं, बाकी सभी स्पेसिफिकेशन हम सबको ऑलरेडी पता है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो बॉक्स, जी हां, बॉक्स का ये लीक इमेज निकल के आया है। हालांकि इंटरनेशनल वेरिएंट, मतलब अगर पाकिस्तान वेरिएंट देखा जाए उससे इसका बॉक्स लगभग मिलता जुलता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि यहां पर 6 GB RAM काट दिया गया है, क्योंकि एक तारीख से पहले का यह बॉक्स है, एक तारीख के बाद यह ऑफिशियल हो गया है कि इस डिवाइस में मिलने वाला 6 GB RAM 128 GB ROM। बाकी कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशन काफी हाईलाइटिंग फीचर है वो है मीडियाटेक का हीलियो G70 का प्रोसेसर, विच इज अ वेरी गुड प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, विच इज अ 12 nm प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफी अच्छा, जो इससे पहले हम लोग इन्फिनिक्स नोट 7 में भी देखने को मिला था, जिसका प्राइस है 11,500 रुपए। सो ओवरऑल काफ़ी एक बढ़िया पैकेज है। और हम लोग जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते थे इन्फिनिक्स को कि वो लोग बजट कैटेगरी में, बहुत ही बजट कैटेगरी वो लोग प्रोसेसर देते हैं, वही मीडियाटेक का P22 बहुत सालों से वो लोग चला रहे हैं, लेकिन फाइनली अभी वो लोग अच्छा एक प्रोसेसर दे रहे हैं। हालांकि मीडियाटेक का G70 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है अगर बजट कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, और गेमिंग के लिए ये वाला प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग इन्फिनिक्स के डिवाइस को भी गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं तो ये वाला डिवाइस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, एसवर्ल्ड लाइन, ये सभी ये डिवाइस में काफी अच्छे तरीके से चलेगा। जहां पर हम लोग इन्फिनिक्स नोट 7 में भी देखे थे गेमिंग रिव्यू काफी अच्छा निकल किया था बिकॉज ऑफ मीडियाटेक हीलियो G70। अभी प्रोसेसर अच्छा होने की वजह से कंपनी और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करते रहते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर कैपेबिलिटी जब बढ़ जाता है तब आप बहुत ही नए नए चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्फिनिक्स नोट 7 में हम लोग देखे थे नाइट मोड दिया गया था जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, होपफुली यहाँ पर भी नाइट मोड दिया जाएगा, जो डेडिकेटेड एक नाइट मोड सेंसर है उसके हिसाब से आपको और भी अच्छे अच्छे फोटोज़ मिलेंगे। जो भी है यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो फिर निकल के फाइनली आ गया है, जो दूसरे रियलमी और शाओमी डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है, जहाँ पर आपको 6 GB 128 GB मिलने वाला अंडर 10,000 विद मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर। आप ज़रूर से कॉमेंट करके बताना कि कौन से प्राइस में ये वाला फ़ोन लॉन्च होने वाला है या फिर हो सकता है। मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, 8999 मतलब 9,000 रुपीज़, 9499 मतलब 9,500 रुपए, या फिर 9999 मतलब 10,000 रुपए। यहाँ पर पोल है, पोल पे जाके जरूर से पार्टिसिपेट करके मेरे को बताना कि कितने प्राइस में ये वाला फोन लॉन्च हो सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और डियाडो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज देखने के लिए। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट में साइन अप डियाडो, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।